Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. In this video we will discuss about a very important topic, integration of trigonometric substitutions. तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि trigonometric substitutions कैसे की जाती है और integration में उनको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है. अच्छा, तो question है मेरे पास 1 over x 1 plus log of x. तो इसमें हम ये करेंगे कि putting में करने लगाऊँ, यहाँ पे पुटिंग या लिख सकते हैं पुट एक्स, 1 plus log x जो मेजर फंक्शन होता है इंक्लूडेड वेरिएबल, उसको आप टी पुट कर लें. टी इज़ इक्वल टू 1 plus log of x. तो इसको मैं डेरिवेटिव dx की वैल्यू के लिए इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, dt/dx, यहाँ पे ये 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स की 1 over x. अभी dx को मैं उधर ले जाता हूँ, dx/x. तो इसको थोड़ा फंक्शन को सीधा करते हैं, पुटिंग करते हैं. यहाँ पे देखें 1 over 1 plus log of x, यहाँ पे ये लिखेंगे और dx/x, ये x जो मैं इसके साथ नीचे लिखता हूँ, और इसकी जगह t पुट कर देंगे और 1 plus log x की जगह t लिख देंगे. तो 1 over t into dft, तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है log of t, ये इसकी इंटीग्रेशन जो हो जाएगी प्लस सी. अभी टी को दोबारा रिप्लेस कर देंगे बाय पुटिंग 1 plus log of x में प्लस सी, ये इसकी जो है वो इंटीग्रेशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 10 into log of x/x dx. इसमें लॉग एक्स को मैं टी पुट करूँगा, पुटिंग टी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, dt/dx, और यहाँ पे हो जाएगा 1 over x, और यहाँ पे dt इज़ इक्वल टू dx, जितने डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा dx/x. तो अभी dx/x की जगह हम dt लिखेंगे और लॉग एक्स की जगह टी डाल देंगे, लॉग ऑफ टेंजेंट लॉग एक्स की जगह टी और dx/x की जगह dt लिख दूंगा. और अभी tan की जो इंटीग्रेशन होती है वो पहले tan को चेंज करेंगे sin t/cos t में, क्योंकि डायरेक्ट इसका फार्मूला अवेलेबल नहीं है, तो इसको form 2 के ज़रिए हल करेंगे, sin t/cos t. तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -sin, तो माइनस यहाँ पे बना लेंगे -sin. और form 2 में ये होता है कि नीचे अगर फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो log ऑफ फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन होती है, माइनस लॉग ऑफ, ये नीचे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लॉग ऑफ cos t प्लस सी, और ये जो माइनस है ये बाहर ही रहेगा. तो आखिर में लाजमी तौर पे आपने याद रखना है कि वेरिएबल को चेंज करना है, cos t की जगह लॉग ऑफ हम x लिख देंगे, cos log x, और ये प्लस सी, ये इसकी जो है इंटीग्रेशन होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot log x/x dx. तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले टी पुट करेंगे, लॉग ऑफ एक्स को टी पुट किया जाएगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ डी फंक्शन, dt/dx इज़ इक्वल टू 1 over x into dx. और अभी जो है ये जो जीएस है इसकी जगह dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा, और कोटेंजेंट जो है वो cos ओवर साइन में चेंज हो जाएगा. cot log x की जगह t लिखेंगे, into dx/x की जगह dt डाल दूंगा, और अभी हमारे पास cot of t की इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है. cot को हम लिख सकते हैं cos t/sin t dt, और अभी देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, form 2 यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, log of sin t प्लस सी, आखिर में चेंज कर देंगे t को भी, log of sin log of x, ये ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि वो विजिबल और रीडेबल हो जाए. ये हमारे पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आगे देखें फोर्थ पार्ट है इसका, cot x/log of sin x dx इंटेग्रल. तो इसको हम ये करेंगे कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है log sin x, इसको मैं टी पुट करूँगा यहाँ पे log of sin x. तो इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे तो dt इज़ इक्वल टू dx, तो यहाँ पे आएगा लाजमी तौर पे log of sin x की इंटीग्रेशन जो है वो होती है 1 over
साइन एक्स इंटू साइन की डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव होता है वन ओवर फंक्शन, इंटू फंक्शन का फिर डेरिवेटिव लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स, और आखिर में डी टी इज इक्वल टू कॉज एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे ये लिखेंगे डी टी इज इक्वल टू कॉज ओवर साइन, जब वो कोटेंजेंट होता है कॉट ऑफ एक्स और डी एफ एक्स, तो आखिर में यहाँ पे डी एक्स की जगह कॉट एक्स, डी एक्स की जगह डी टी डाल देंगे और लॉग साइन एक्स की जगह टी पुटिंग कर देंगे। ये दो पुटिंग जो है वो हमारे पास होंगे। मैं पहले क्वेश्चन को उसी तरह लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय वन, और यहाँ पे जो है वो कोटेंजेंट एक्सिस के साथ होगा। देखें यहाँ पे वन ओवर लॉग साइन एक्स की जगह मैं लिख दूंगा टी, और कॉट एक्स डी एक्स की जगह डी टी डाल दिया जाएगा, और यहाँ पे वन ओवर टी फॉर्म टू, टी नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव वन इसका मौजूद है, लॉग ऑफ टी प्लस सी, और आखिर में टी रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके अपनी वैल्यू से, और वो है लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इस तरह ये होगा। इस क्वेश्चन में वन ओवर एक्स लॉग एक्स है, तो यहाँ पे ये जो लॉग एक्स है इसको टी पुट किया जाएगा, टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, डी टी की वैल्यू निकालेंगे वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स, और क्वेश्चन को मैं लिखूँगा पहले सीधा करके वन ओवर लॉग एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, डी एक्स बाय एक्स को डी टी डाल देंगे और वन ओवर लॉग एक्स की जगह टी लिख देंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म टू इस्तेमाल की जाएगी और ये बन जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ टी, अगर मैं लॉग टी को भी रिप्लेस कर देंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन एक्स लॉग ऑफ सेकेंट एक्स डी एक्स। तो इसमें पहले हम क्वेश्चन को साइन कॉज में या साइन कॉज में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास जो सब्सिट्यूशन है वो आसानी से हो सके। तो इसमें देखें मैं ये करता हूँ, टेन को मैं लिख देता हूँ साइन एक्स और कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पे सीकेंट एक्स है तो सीकेंट आप जानते हैं कॉज एक्स होता है, तो वन लॉग सीकेंट एक्स डिवाइडेड होता है इज इक्वल होता है वन ओवर लॉग ऑफ कॉज एक्स के, डी एफ एक्स कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि कॉज ऑफ एक्स जो है इसको मैं पुटिंग कर देता हूँ टी, उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ वन ओवर लॉग ऑफ कॉज एक्स इंटू वन ओवर कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये साइन एक्स और डी ऑफ एक्स होगा। तो ये जो कॉज एक्स है इसको टी पुट करते हैं, टी इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, डी टी इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस बनाएंगे या आप कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं कि माइनस की इधर शिफ्ट कर दें, माइनस डी टी इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स डी एफ एक्स, वो भी साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी कॉज एक्स की जगह टी, और यहाँ पे भी हम पुटिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये जो चीज़ है साइन एक्स डी एक्स इसकी जगह माइनस डी टी पुटिंग करेंगे, और ये जो कॉज टी कॉज एक्स है इसकी जगह टी पुटिंग किया जाएगा, वन ओवर लॉग ऑफ टी इंटू वन ओवर टी इंटू माइनस डी टी, वो भी यहाँ पे माइनस में बाहर लिख दूंगा ऐसे माइनस वन ओवर टी इंटू लॉग ऑफ टी इंटू डी टी। अभी यहाँ पे अगेन दो वेरिएबल आ गए हैं, तो अभी फिर मैं लॉग टी को जो है वो पुटिंग करूँगा, लॉग टी को पुटिंग करूँगा, मैं यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, लॉग ऑफ टी जो है वो यू के इक्वल लेट कर लेते हैं, डी यू बाई डी टी इज इक्वल होता है वन ओवर टी इंटू डी टी, वन ओवर टी डी टी हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये माइनस ये सॉरी ये टी बेशक आप इधर लिखें वन ओवर लॉग टी की जगह मैं लिख दूंगा यू इंटू डी टी बाई टी की जगह डी टी बाई टी की जगह डी एक्स, ये जो है ये वाला इसकी जगह हम लिख देंगे डी यू। अभी यू की फॉर्म टू के लिहाज से होगी लॉग ऑफ यू, देखें यहाँ पे नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो माइनस लॉग यू प्लस सी कर देंगे। अभी यू को रिप्लेस करेंगे माइनस लॉग ऑफ यू जो है वो मेरे पास है लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ टी है प्लस सी, और आखिर में
टी क्वेश्चन हमारा एक्स में था, तो लिहाजा टी को भी रिप्लेस करेंगे हम कॉस एक्स में, तो मेरे पास आंसर बनेगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इसका जो है वो इस तरह सॉल्यूशन होगा।